फटाफट खबरें स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। फटाफट नजर डालते हैं देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र ने बदले विदेशी फंडिंग से जुड़े 7 नियम, आम आदमी की सहूलियत के साथ ही एनजीओस पर कसेगी नकेल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित परीक्षितगढ़ क्षेत्र से सनसनीखेज खबर, विवाहिता के इश्क में शख्स ने उसकी चौखट पर दे दी जान। पुलिस को सूचना देने की बजाय महिला के परिजनों ने लाश को नहर के किनारे रखा, चिट्ठी ने उगला राज। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की समधन का बाराबंकी में ट्रांसफर, 25 साल तक लखनऊ में रही तैनात समधन अम्बी अक्सर रहती हैं विवादों के कारण चर्चा में। और मध्य प्रदेश के कटनी जिला के चाखा ग्राम पंचायत पर चुनाव में सरपंच की जीत के बाद लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, सरपंच चुनाव में उम्मीदवार रहीसा वाजिद खान जीती। मामले का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल, पुलिस जांच में जुटी। ग्वालियर में भाजपा के संकल्प पत्र की घोषणा के दौरान पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा की नाराजगी हुई जगजाहिर। नाराज पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को मनाते हुए रो पड़ी महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा। अनूप मिश्रा ने मंच पर बैठने से किया था इनकार, बोले मुझे मालूम है मेरी जगह कहां। मान मनोबल का वीडियो इंटरनेट मीडिया में भी हो रहा है प्रसारित। उदयपुर हत्याकांड को लेकर 5वें दिन खुले बाजार, मृतक कन्हैयालाल के बड़े बेटे ने आरोपियों की फांसी की सजा की मांग। ढाड़स बंधाने सांसद सीपी जोशी और आपके पूर्व नेता कपिल मिश्रा मृतक के घर पहुंचे, 1 करोड़ की आर्थिक मदद देने का दिलाया भरोसा। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की रविवार को दूसरे दिन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीवन के संघर्षों की सराहना, कहा उन्होंने जो चाहा उसे डटकर हासिल किया। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखने वाले उत्तर प्रदेश के सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुरुवार को दिखा अलग ही रूप। मालिनी अवस्थी ने गाई वीरों की गाथा तो सीएम की आंखों से टपकने लगे आंसू। लखनऊ की सरजमी पर सजी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित महफिल। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आतंक का खतरा, इंटेलिजेंस इनपुट के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। प्रशासन ने अति संवेदनशील इलाकों की बढ़ाई सुरक्षा, पैरामिलिट्री फोर्स के तैनाती के बीच होगा मतदान। एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने जनता से निष्पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न कराने की अपील। मध्य प्रदेश के मंदसौर में लुटेरों को पकड़ने गए पुलिस अधिकारी पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में इंदौर के लिए किया गया रेफर। मंदसौर कोतवाली में पदस्थ इंस्पेक्टर अमित सोनी घायल, आरोपियों के अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर। गुजरात सरकार के वन डे वन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर बोले पीएम, इसे पूरे भारत में लाया जाना चाहिए, कहा लोगों से जुड़ने का अच्छा तरीका प्रोग्राम में है, पूरे देश को आत्मसात करने की कैपेसिटी। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की नृशंस हत्या से लोगों में आक्रोश, पेशी के दौरान कन्हैयालाल के हथियारों की जमकर हुई कुटाई, जूते चप्पल और डंडों से हुई पिटाई। चारों आरोपियों को 12 जुलाई तक भेजा गया है एनआईए कस्टडी में, पिटाई का वीडियो भी हो रहा है वायरल। मौजूद वकीलों ने भी फांसी की मांग करते हुए की नारेबाजी। रोहतास में महज 2000 की लालच में किशोर दोस्त ने की पंकज की हत्या, मृतक की मां ने फांसी देने की उठाई मांग, पुलिस पर भी आरोप। रोहतास थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव के 12 वर्षीय पंकज की दोस्त ने मात्र 2200 रुपयों के लालच में आकर की निर्मम हत्या। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के पार्षद रामचंद्र यादव और फर्नीचर ठेकेदार प्रदीप बंसल के बीच चले लात, भूसे कपड़े फटे, ठेकेदार लहूलुहान, पेमेंट को लेकर हुआ विवाद। मारपीट की घटना सारंगपुर कम्युनिटी सेंटर की। महाराष्ट्र विधानसभा की पहली लड़ाई में एकनाथ शिंदे की शानदार जीत, बीजेपी के राहुल नार्वेकर बने स्पीकर, मिले 164 मत, विरोध में मात्र 107 मत। स्पीकर के चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। उदयपुर हत्याकांड में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी का आरोप, उदयपुर हत्याकांड से भाजपा का सीधे तौर पर संबंध, भाजपा देश को विभाजित करने के लिए फैला रही है नफरत। ग्वालियर डिगरा से पार्टी मनाकर लौट रहे छात्रों की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 20 फीट गहरी खाई में गिरी, 3 युवक और 2 युवतियां कार में थे सवार, घायल को जया रोग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया है भर्ती, पार्टी मनाकर लौट रहे थे छात्र। बिहार के रोहतास के चढ़ावे के पैसे के लिए मंदिर परिसर बना अखाड़ा, आपस में भिड़े पुजारियों में जमकर चली लाठियां, घटना का वीडियो सोशल मीडिया में हो रहा है वायरल। रोहतास के प्रसिद्ध भलूनी धाम देवी मंदिर की घटना, किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। उदयपुर की घटना पर राहुल गांधी का फेक वीडियो वायरल होने पर जीतू पटवारी ने बीजेपी को घेरा, वायरल करने वालों को बताया देशद्रोही, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है वीडियो। इंदौर में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय पार्षद चुनाव लड़ने वाले 9 कांग्रेसियों पर पार्टी ने लिया कड़ा एक्शन, 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से किया निष्कासित। इंदौर नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय पार्षद का चुनाव लड़ रहे 9 कांग्रेसियों को दिखाया गया पार्टी से बाहर का रास्ता। आरएसएस प्रमुख सुनील आम्बेकर ने किया नूपुर का बचाव, उदयपुर घटना की ओर इशारा करते हुए कहा, उकसावे से नहीं हुई है तालिबानी घटना, इतिहास के पन्ने पलटकर नई पीढ़ी को करना होगा जागरूक।
और गोधरा की अदालत ने 2002 में गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में एक आरोपी को सुनाई उम्र कैद की सजा। गुजरात के पंचमहल जिले के गोधरा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी रफीक भटुक को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। भटुक को फरवरी 2021 में किया गया था गिरफ्तार। कैप्टन अरविंदर सिंह हो सकते हैं एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। कैप्टन अरविंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ पंजाब लोक कांग्रेस का किया था गठन। हाल में ही उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था विधानसभा का चुनाव। और चेन्नई में ईडी की बड़ी कार्रवाई। इंडियन बैंक के साथ धोखाधड़ी करने पर कुर्क की 234 करोड़ की संपत्ति। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सर्च सरवना। गोल्ड पैलेस की अचल संपत्ति कुर्क। मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। 20 करोड़ के घोटाले का आरोप। विश्वविद्यालय में तय कीमत से अधिक दाम पर उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद। प्रश्न पत्रों की छपाई और सुरक्षा गार्डों की संख्या ज्यादा बताकर वेतन से भुगतान संबंधित अनेक वित्तीय अनियमितताओं का लगा था आरोप। योगी की पुलिस ने किया FIR से इनकार तो नवजात बच्ची के शव को लेकर थाने पहुंचा पिता। उत्तर प्रदेश में आगरा के निबोहरा थाने की घटना। उज्जैन में सटोरियों के घर क्राइम ब्रांच की रेड। 4 किलो सोना और 20 लाख नकदी। 5 गिरफ्तार। वहीं मुख्य आरोपी फरार। गीता कॉलोनी में रहने वाला रवि सिंधिया चला रहा था घर में सट्टा। पकड़े जाने पर उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने शिवाजीगंज थाना प्रभारी बादल को किया निलंबित। काम में लापरवाही के चलते किया गया है थाना प्रभारी को सस्पेंड। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।